निफ्टी अब कल कैसा करेगी और बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म करेगी, एक मिनट के अंदर देखते हैं। आज आज की की ट्रेडिंग ट्रेडिंग में से बहुत ही क्लियरली मैंने सजेस्ट किया था कि निफ्टी में ये एक रैली आने वाली है, और ये जो आज का सेशन ज़्यादा देर का था नहीं, 10:30 के आसपास में निकल गया था, 10:30 फिर बोल के गया था कि यहाँ से ये जो रैली है वो 18,113-14 तक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवल मार्क की। इसकी रिकॉर्डिंग का प्रूफ है पूरा चैनल के ऊपर में। आज का जो सुबह का ट्रेडिंग रूम था जो रिकॉर्डेड था, जूम पे रहता है, यूट्यूब पे फ्री है वो 15 दिन के लिए, तो वो आपको देख सकते हैं, जाके सुन सकते हैं कि एग्जैक्टली 10:50 मैं 10:30 निकल चुका था, 10:50 113 के आसपास का ही हाई लगा है। यहाँ से 90 से जो रैली थी वो वहीं तक एग्जॉस्ट हो रही थी, क्योंकि बाजार में जो ऑप्शन डेटा था, जो ओपन इंटरेस्ट था, वो इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं दिखाई दे रहा था, बट कहीं ना कहीं जब बाइंग शुरू हुई थी तो हमने इस रैली को पकड़ लिया था। सुबह में बहुत क्लियर था कि 18,050 का एक मेजर मेजर लेवल रहेगा, जिसके ऊपर रैली वापस से 18,100 के आसपास जाएगी, 110-112 तक जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर एग्जॉस्ट करेगी। वही हुआ, और सेकेंड हाफ में वापस से उसने 18,040 के आसपास का सपोर्ट या 18,050 का पूरे दिन का सपोर्ट बना हुआ था, और वैसे ही बाजार ने परफॉर्म किया और आज अपने हाई को बाजार ने नहीं तोड़ा, और ये हाई हमारा एक स्टॉप लॉस की तरह काम किया था। मैंने कह दिया था जिसको भी पुट ऑप्शंस लेनी है, सेलिंग करनी है, या 18,113 के लेवल के हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा, यहाँ पे कॉल मतलब यहाँ पे अपना डिसीजन लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा बाजार को बेचने के लिए। तो यहाँ निफ्टी वापस से उसी जोन में टाइट रेंज में फिर से बंद होती हुई दिखाई दे रही है, और बाजार में कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखाई दिया, कहीं ना कहीं फिर से एक रेंज में मार्केट फंसता दिखाई दिया। रेंज रही 18,050 से लेकर 18,100 के आसपास तक। 18,090 पे वापस मार्केट बंद हुई है, जो हमारा लेवल है TTC का। आप हैरान हो जाएंगे, TTC एक मेरी ऐसी इन्वेंशन है जो 20 साल की मेहनत है, जिसमें बाजार में देखा है बहुत से लोगों को मरते देखा है, बहुत से लोगों को पैसा बर्बाद करते देखा है, और लिटरली आप समझिए कि ये एनालिसिस जो मैं कहता हूँ मार्केट इज जस्ट नंबर गेम, ये एक्सपीरियंस है, ये ऐसी नहीं है। तो 18,090 मेजर लेवल का काम कर रहा है, ये हमारे पास बहुत क्लियर है। नेक्स्ट ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा, जब तक 18,225 के ऊपर नहीं चलता बाजार, 18,090 को जब तक होल्ड कर रहा है ठीक है, तो हमें देखना ये होगा कि कल के सेशन में 18,090 को कितना होल्ड करता है, कितनी देर होल्ड करता है, वॉल्यूम्स आती है कि नहीं आती, वो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी। और मजेदार बात क्या रही, निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो हमारा बहुत क्लियर था कि 43,200 के ऊपर बाजार चलेगा तो आपको एक रैली मिल सकती है, ये भी हमारे पास में क्लियर था TTC के थ्रू। देखिए 43,264 के ऊपर एक रैली आ सकती है, तो 43,200 के ऊपर जब बाजार चला, 264 के ऊपर चला, तो बाजार 350 तक गया, तो मतलब मोटा मोटा यहाँ से भी एक 70-80 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली है। BHEL एक ऐसा काउंटर रहा जहाँ हमने 2 दिन पहले ही आपको, जब ये 76 रुपीज़ और 76 रुपीज़ की रेंज में यहाँ चल रहा था, जब बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज इसको सेल की कॉल दे रहे थे, यहाँ पे ट्रेडिंग रूम में आपको लाइव सेशन में लाइव सुबह 9 बजे मैंने दे दिया था कि यहाँ से इसकी रैली है, और 82 तक पहला टारगेट रहेगा, 90 के ऊपर जाएगा कम से कम, तो यहाँ से इसने हाई जो लगाया 87.95 का, इसमें रैली थी। TWL मेरा फेवरेट स्टॉक जो मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, जो ट्रेडिंग में मेंबर्स को मैंने दिया है, 160 रुपये से स्टॉक होल्ड में है, और अभी भी ये आज से 357 का हाई लगाया, अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। RVNL 10% आज भी चला, देखिए आज अपर सर्किट 10%। Railtel 3.5%। मैं कब से कह रहा हूँ कि रेलवेज में पैसा लगाइए, आप हमेशा मल्टी बैगर्स ढूंढते हैं, जब तक आप एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे नहीं होगा। GSFC ट्रेडिंग मेंबर्स में कल आज सुबह कल भी पूछा गया था, कहा था 165 के आसपास में कि इसमें ब्रेकआउट आने की तैयारी है, और इसने भी आज हाई 170-350 के आसपास का हाई लगा दिया। गुजरात गैस जो रुका हुआ था कई दिनों से, मैंने कहा था ये स्टॉक चलने वाला है, और 478 का ये लेवल पहले ही मार्क करके रखा होता, उसने एग्जैक्टली वही टच किया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक देखने मिली, बट कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक भी अपनी रैली में आता जा रहा है। दोस्तों अगर आपको निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एनालिसिस डेली लाइव चाहिए तो 14 मई तक तो बिल्कुल फ्री है ट्रेडिंग रूम, जो मैं पेड रहता है, जिसकी फीस 666 रहती है मंथली बेसिस पे, जो सुबह 9 से लेकर 11:30 हम करते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ, जो जूम मीटिंग में होती है, जहाँ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने शेयर्स पूछ सकते हैं, हम कौन सी कॉल ऑप्शन में काम करें, कौन सी पुट ऑप्शन में काम करते हैं, वो लाइव मार्केट में देखते हैं, और बहुत सट्टा नहीं मारते हैं, गिने चुने ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, कि दिन में एक या दो ट्रेड मिल जाए, एक दोपहर को 2:30 के बाद में, 2 से 3 बजे 3:30 के बीच में, और एक ट्रेड हमें मिल जाए सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 के बीच में, बस उसके बाद हमें बाजार की बोरियत में बैठना नहीं है, जो सुबह कमाया उसको गंवाना नहीं है, क्योंकि 90% लोगों के साथ में क्या होता है, जो सुबह कमा लेते हैं वो शाम तक गंवा देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की सट्टे की गंदी आदत पड़ चुकी है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, किसी भी बुक में कोई रूल नहीं लिखा कि आप सट्टा करेंगे तो अपना पैसा बना सकते हैं। निफ्टी के लेवल बहुत क्लियर है कि 18,100 के ऊपर चलता है बाजार, 111 के ऊपर में 148 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 18,066 का हम उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। भाई बैंक निफ्टी की बात करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 43,312 को अगर पकड़ लेते तो कल की जो मैं बाइंग करने वाला हूँ 43,346 के ऊपर ही बाइंग करने वाला हूँ, 43,346 के ऊपर है, मतलब मोटा मोटा आप देखिए आज का हाई ही निकल के आएगा। देखिए ये है एक्यूरेसी कैलकुलेटर की, आप सोच सकते हैं जो ये हाई बनाया है मार्केट ने, जहां से वो फेल किया,
इसके अंदर उतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रखी है मैंने, दिस इज एआई बेस्ड कैलकुलेशन, तो बाजार की कैलकुलेशंस को सॉफ्टवेयर निकाल के देखा, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला आपको। 346 के ऊपर चलेगा बाइंग करेंगे, 400 रुपये आसपास का पहला टारगेट रहेगा, और 400 के ऊपर बाजार चलता है तो फिर अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। 472 एक रेजिस्टेंस आने वाला, उसके ऊपर चलेगा तो 680, मतलब मोटा मोटा 250 पॉइंट वहाँ से मिल जाएंगे, बट सब कुछ डिपेंड करेगा 350-40 के ऊपर चलने पे ही हम बाय करने वाले। स्टॉप लॉस जो रहने वाला है, जो सपोर्ट रहने वाला है, वो वही रहने वाला है 43,277 के आसपास में। कल 264 था, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा बहुत स्मार्ट लगाना तो 264 को भी आप उसको लेके चल सकते हैं, अभी भी वही चीज़ें इंटैक्ट हैं। तो ये तो रहा बाजार का हाल, और अगर लाइव मार्केट में स्टॉक चाहिए तो लाइव ज्वाइन कीजिए, डेली लाइव होने वाले यूट्यूब के ऊपर में, खुद भी आइए, दोस्तों को लेकर आइए, मजा कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के साथ हम ग्रो करेंगे और हमारे साथ आप ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, बाय बाय, जय हिंद।